नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चेकिंग के दौरान बीदर में अवैध शराब, पैसे सहित अन्य सामग्री जब्त। भालकी में युवक से मारपीट के 3 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक चुनाव, राहुल से मिले शट्टार, लिंगायतों से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। सीपीआई कर्नाटक की 215 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को समर्थन देगी। कर्नाटक चुनाव, ईश्वरप्पा के बाहर निकलने से शिमोगा एक अप्रत्याशित मुकाबला बन गया है। बंगाल में सजी सियासी बिसात, ममता नीतीश आए साथ, मिलकर बीजेपी पर बोला हमला। पंचायती राज व्यवस्था को पिछली सरकारों ने किया ध्वस्त, कांग्रेस पर खूब बरसे पीएम मोदी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न विभाग काम कर रहे हैं। इसके तहत 22 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पुलिस विभाग ने 247.35 लाख रुपए मूल्य के 26,306 रुपए एकत्र किए हैं। आबकारी विभाग ने 55,917 लाख रुपए की 120.52 लीटर शराब जब्त की है। साथ ही स्टैटिक सर्विलेंस टीम ने 90,000 रुपए के अन्य सामान और 4,66,000 रुपए के नकद जब्त किए हैं। कुल राशि 6,38,223 रुपए है। यह जानकारी जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा एक विज्ञप्ति में जारी करके दी गई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भालकी नगर में 25 अप्रैल की शाम एक युवक से मारपीट कर उसे भालकी टाउन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस युवक की शिकायत के आधार पर भालकी टाउन थाने में मामला दर्ज किया गया है और पीएसआई विश्वराध्या के नेतृत्व में एक टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू व बाइक भी जब्त कर ली गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि युवक आरोपियों ने निजी कारणों के तहत मारपीट की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2023 के नामांकन दाखिल करने और वापस लेने का समय समाप्त हुआ है। जिले में सभी पार्टियों एवं निर्दलीय उम्मीदवार अपने निर्वाचित क्षेत्रों में पदयात्रा और सभा कर मतदाताओं से वोट देने की अपील करने का सिलसिला जारी है। सभी उम्मीदवार अपना अपना जोर लगाए हुए हैं। कोई लोगों की शिकायतें सुन रहा है तो कोई पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिना रहा है तो कोई अपने वाले दिनों में विकास करने के वादे करने वोट मांग रहे हैं। इसमें कोई दोराहे नहीं है कि पार्टी और एक दूसरे उम्मीदवार की आलोचना करना और विफलता गिनाने का सिलसिला भी जोर पकड़ा हुआ है। लोग सभी नेताओं का स्वागत कर रहे हैं और सभी उम्मीदवारों की अपील भी स्वीकार कर रहे हैं। अब जब मतदान होंगे और इसके नतीजे सामने आएंगे तो ही पता चलेगा कि जनता ने किसकी अपील स्वीकार कर उसे आशीर्वाद दिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य ओटे देवेगौड़ तैयार फैक्ट्री अर्ध बीजेपी अर्ध कांग्रेस ಏನಂದ್ರಿ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಭೀ ನಮ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದ ಇದರ ತಯಾರ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಬಿಡಾರಿ ತಯಾರ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಬಿಡಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕ ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಟೀಮ್ ಗಳು ಮಾಡ್ರಿ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार।
कर्नाटका के दो दिवसीय दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को हुबली पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश हटार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने के लिए भाजपा छोड़ दी थी। चुनावी रैलियों में शामिल होने के लिए राहुल के विजयपुरा जिले के लिए रवाना होने से पहले दोनों ने एक बैठक की। कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक राहुल और शटार ने लिंगायत समुदाय से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और कर्नाटका में बीजेपी की चुनावी योजना की मुख्य बातों पर भी चर्चा की। शटार ने राहुल से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस नेताओं को लिंगायत नेताओं के खिलाफ बयान देने से रोके। राहुल लिंगायत समुदाय के महत्व और चुनावी राजनीति में उनकी भूमिका के बारे में जानने के इच्छुक थे। कांग्रेस ने 50 से अधिक सीटों पर लिंगायतों को नामांकित किया है और राहुल के हुबली में शटार के लिए प्रचार करने की भी संभावना है। इस बीच शटार ने आरएसएस की टीम के प्रभाव को खारिज कर दिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए हुबली में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने कहा टीम स्थानीय परिस्थितियों से परिचित नहीं होगी और जब तक वे इसे समझेंगे चुनाव खत्म हो चुके होंगे। शटार ने हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट जीतने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा विभिन्न मंचों पर मेरे खिलाफ चलाए जा रहे नकारात्मक प्रचार का चुनाव परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उम्मीदवार का अच्छा काम परिणाम को प्रभावित करेगा। इसी बीच राहुल सोमवार को बेलगाव, गदग और हावेरी जिलों में अपना चुनाव प्रचार जारी रखेंगे। बेलगावी जिले के रामदुर्ग में किसानों के साथ संवाद सत्र खत्म करने के बाद पूर्व सांसद सोमवार को गदग कस्बे में युवाओं से संवाद करेंगे। इस युवा संवाद में नए मतदाताओं सहित 2000 युवा कांग्रेस नेता से संवाद करेंगे। हावेरी जिले के हंगल में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने राज्य में 10 मई को होने वाले कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन की घोषणा की। दोनों पार्टियों के बीच बनी सहमति के अनुसार सीपीआई कैडर राज्य के 224 निर्वाचन क्षेत्रों में से 215 में से कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगी, जबकि नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल थी। कागजात की जाँच 21 अप्रैल को हुई थी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल है। कांग्रेस के कर्नाटका प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के अनुसार 7 निर्वाचन क्षेत्र दोस्ताना के गवाह बनेंगे। दोनों सहयोगियों के बीच मुकाबला है क्योंकि सीपीआई ने पहले ही उन निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। कर्नाटका के शिमोगा में हुई सांप्रदायिक घटनाओं की श्रृंखला ने इस विधानसभा क्षेत्र को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। भाजपा द्वारा पूर्व मंत्री के ईश्वरप्पा को शिमोगा सीट से टिकट देने से इनकार करने और वहां से एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता को मैदान में उतारने से भी राज्य में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर बनी है। कांग्रेस ने वरिष्ठों को दरकिनार कर एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक युवा नेता को टिकट दिया है, जहां बीजेपी हिंदुत्व एजेंडा के साथ चुनाव में जा रही है। वहीं कांग्रेस शांतिपूर्ण शिमोगा के लिए वोट मांग रही है। पिछले साल शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा के निर्मम हत्या की परेशान करने वाली घटना ने तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया था और शहर में 8 दिनों से अधिक समय तक कर्फ्यू लगा रहा था। शिमोगा निर्वाचन क्षेत्र में शिमोगा नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र शामिल हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम और
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी से मुलाकात की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश और तेजस्वी के साथ ममता की मुलाकात को सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। संभव है कि लोकसभा चुनाव में पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर ममता के साथ नीतीश कुमार की बातचीत काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए नीतीश काफी प्रयासरत हैं। अगर उनकी ये कोशिश कामयाब होती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल आगामी चुनाव में जीत का रास्ता कठिन हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जो बीजेपी हीरो बनी फिर रही है वो आने वाले चुनाव में जीरो हो जाए। ममता ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद नीतीश और तेजस्वी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकजुटता के प्रयास में लगे हैं। पंचायती राज सम्मेलन में भाग लेने के पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया और उनसे उल्टा कैसे हम उन्हें सशक्त कर रहे हैं, ये देश के लोग देख रहे हैं। 2014 से पहले 10 साल में केंद्र सरकार की मदद से 6000 के आसपास पंचायत भवन बनाए गए थे। हमारी सरकार ने 8 साल में 30000 से ज्यादा नए पंचायत भवन बनवाए हैं। ये दिखाता है कि हम गांव के लिए कितने समर्पित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार देश की 2 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर को ले गई है। हम पंचायतों की मदद से गांवों और शहरों के बीच की खाई को लगातार कम कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस युग में पंचायतों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। आज ई ग्राम स्वराज इंस्टाग्राम पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इससे पंचायतों के माध्यम से होने वाली खरीद की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। रीवा में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 2300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस वादे पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तेलंगाना में भाजपा सत्ता में आती है तो वह राज्य में मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म कर देगी। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछड़े मुसलमानों तक पहुंचने की बात करते हैं लेकिन अमित शाह उनके आरक्षण को हटाने का वादा कर रहे हैं। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी कहते हैं कि पसमांदा मुसलमानों तक पहुंचे, अमित शाह उनका आरक्षण हटाने का वादा करके इसका अनुपालन करते हैं। हैदराबाद के सांसद ने गृह मंत्री को यह भी याद दिलाया कि पिछड़े मुस्लिम समूहों के लिए आरक्षण अनुभवजन्य आंकड़ों पर आधारित है। ओवैसी ने लिखा, कृपया सुधीर आयोग की रिपोर्ट पढ़े, यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कृपया किसी से पूछ सकते हैं। मुस्लिम के लिए आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के स्टे के तहत जारी है। मुंबई बॉलीवुड हिंदी फिल्म और सीरियल में काम कर अपनी पहचान ईमानदारी से अख्तियार कर चुके हैं। ओए लकी लकी ओए, दिल्ली 6, मुरारी द मेड, जेंटलमैन, सस्पेंस, वन वांटेड, साइन आदि हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं। कई हिंदी सीरियल्स में काम कर रहे हैं। इन्होंने थिएटर में काम कर बॉलीवुड फिल्म में काम कर चुके हैं। इन दिनों मुंबई के सुंदर वादियों में माई चांस वेब सीरीज कर रहे हैं। मुंबई से केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। सीरियलों में, हिंदी सीरियल में काम कर चुके हैं। आज जो है माय चांस फिल्म वेब सीरीज है, बन रही है, इसके सेट पे आए हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वेब सीरीज को लेकर क्या कहेंगे और भी दर्शक जानने के उतावले हैं आपके, जानना चाहते हैं कि वाकई जो है आप किन किन सीरियलों में आप काम किए हैं। सर नमस्कार, पहले माय चांस की बात कर लेते हैं जी। माय चांस सीरीज बहुत अच्छी है और कहानी वगैरह सारी टीम जो है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं, सब प्रोफेशनल हैं, सारे एक्सपीरियंस लोग हैं और मुझे लगता है कि बनने के बाद ये सीरीज़ ज़रूर हिट होगी, लोग पसंद करेंगे क्योंकि इसी तरह के कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं। एकदम रियल है, ओरिजिनल कंटेंट है, कहानी वाली सब बहुत बढ़िया है। दर्शकों ये बताते कि ये जो है KMX OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज जो है रिलीज होगी बहुत जल्द। दर्शक आप इस माई चांस जो है वेब सीरीज है देखेंगे आप इसी पे। और जो सर ये बताएं कि आप अब तक कितने सीरियल में काम किया, थोड़ा दर्शकों के लिए बताएं। जी मैं काफी सीरियल्स में काम कर चुका हूँ, मेरी शुरुआत दूरदर्शन से हुई थी जी। वो उस समय का क्या दौर रहा होगा दूरदर्शन का, जो सीरियल आते थे उस समय भी आपको बता दें कि कोई भी इतना सीरियल का क्रेज नहीं था उस समय दूरदर्शन ने सेवा दिया है, लोग बहुत सारे, वही एक चैनल था जिसके माध्यम से लोग जो अपना मनोरंजन करते थे भागम भाग के दुनिया में जो है, वो बताएं सर कौन सा सीरियल रहा होगा। मैंने पहला सीरियल किया था मिस्टर मैकमोहन के साथ, हम भी कुछ कम नहीं, उनके साथ दो सीरियल्स और किए फिर मैंने, दो बहनें करके थी
और तीसरा एक करियर था वो सीरियल मैंने उनके साथ किए। और उसके बाद फिर मैंने, मुझे पहली फिल्म मिली वो लकी लकी हुई दिवाकर बैनर्जी के साथ, उसमें मैंने कैमियो रोल किया था। उसके बाद फिर दिल्ली सिक्स की राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ, फादर्स जो बिलोंग करते हैं मेरिट से बिलोंग करते हैं, और बाकी मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हमारा जो गाँव पड़ता है मेरठ में पड़ता है, दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में हुई और थिएटर भी मैंने दिल्ली में किया है। और बम्बई में मैं थिएटर करता हूँ ग्रेसी सिंह के साथ, जो कमर्शियल थिएटर होते हैं उसे हम लोग करते हैं उसके साथ ग्रेसी के साथ। बाकी इसमें ये फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, वेब सीरीज में करते रहते हैं काम। बाकी टीवी से मैं अभी काफ़ी दूर हूँ, क्योंकि टीवी मुझे काम वाम अभी इच्छा नहीं है करने की। सीरियल्स और फिल्म सभी करता हूँ मैं सिर्फ जी। टीवी से क्यों सीरीज है, टीवी से इतना क्यों दूरी क्यों बना रहे हैं, उससे आपके शुरुआत हुआ था आगे बढ़े थे? एक्चुअली क्या, एक तो बहुत उनका मैनेजमेंट बहुत बेकार होता है, दूसरी बात यह है कि वो बहुत हरासमेंट करते हैं एक्टरों को, बहुत हरासमेंट, पलटाना झेलना पड़ता है। दूसरी बात यह कि पैसे समय पे नहीं देना, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, मतलब कितने ड्रॉबैक्स बताऊंगा उसके। इसलिए बहुत सारे एक्टर्स जो है वो दूरी इसलिए बनाते हैं टीवी से, वो क्या वो नौकरी की तरह हो जाता है, काफी पलटाना झेलनी पड़ती है, बहुत नए लोगों को बहुत पलटाना झेलनी पड़ती है। अब समाचार विदेश के। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है। राजकीय समारोह में नए राष्ट्रपति ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित अन्य गणमान्य जन भी मौजूद रहे। बांग्लादेश के वरिष्ठ नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सोमवार को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस समारोह में प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने हिस्सा लिया। स्पीकर शिरीन शर्मिल चौधरी ने बंग भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में 73 वर्षीय शहाबुद्दीन को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री हसीना और नए राष्ट्रपति के परिवार के सदस्यों के अलावा नेताओं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और वरिष्ठ असैन्य एवं सैन्य अधिकारियों के इस कार्यक्रम में भाग लिया। शहाबुद्दीन अब्दुल हमीद का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल रविवार को समाप्त हो गया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति पद के शपथ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उन्हें सत्तारूढ़ अवामी लीग के उम्मीदवार के रूप में इस साल फरवरी में निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल विशेष रूप से आम चुनाव के दौरान अतिरिक्त ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और देश का संवैधानिक संरक्षण बन जाता है। चुनाव प्रणाली को लेकर सत्तारूढ़ अवामी लीग और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के बीच बढ़ते मतभेदों के बीच बांग्लादेश में दिसंबर या अगले साल जनवरी में आम चुनाव होने वाले हैं। भारत की मजबूत विदेश नीति और पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व से दुनिया में देश का डंका बज रहा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनके अंदाज ने तमाम राष्ट्रों के अध्यक्षों को भी कायल बना लिया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी की गहरी दोस्ती है, उसका लाभ देश के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती के रूप में तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ पीएम मोदी की दोस्ती संकट में देशवासियों के लिए सहारा भी बन रही है। ताज़ा मामला सूडान का है, जहां हिंसा क्षेत्र में फंसे कई भारतीयों को फ्रांस ने बाहर निकाला है। यह पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की गहरी दोस्ती के कारण ही संभव हो पाया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार फ्रांस के हिंसाग्रस्त सूडान से निकासी अभियान के तहत कुछ भारतीय नागरिकों सहित 28 देशों के नागरिकों को बाहर निकाला गया। नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने सोमवार को कहा कि भारत सहित 28 देशों के 388 लोगों को बाहर निकाला गया है। दूतावास ने ट्वीट किया, फ्रांस का निकासी अभियान जारी है। कल रात 2 सैन्य विमानों से भारतीय नागरिकों सहित 28 देशों के 328 लोगों को बाहर निकाला गया। इस अभियान के दौरान बाहर निकाले गए भारतीयों की संख्या के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। एक नज़र फिल्मों के समाचारों पर। ड्रीम गर्ल 2, 4 साल बाद फिर बजेगा दिल का टेलीफोन, जल्द दस्तक देगी ड्रीम गर्ल 2। अब समाचार खेल जगत के। डेविड वार्नर जिस टीम के लिए 7 साल खेले और आईपीएल जिताया उसी के खिलाफ उतरेंगे। आखिर में समाचार बाजार के। इस साल नहीं सताएगी रोटी की महंगाई, खराब मौसम के बावजूद पंजाब में गेहूं खरीद 2022 से अधिक रहने की उम्मीद। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चेकिंग के दौरान बीदर में अवैध शराब, पैसे सहित अन्य सामग्री जब्त। भालकी में युवक से मारपीट के 3 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक चुनाव, राहुल से मिले शट्टार, लिंगायतों से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। सीपीआई कर्नाटका की 215 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को समर्थन देगी। कर्नाटक चुनाव, ईश्वरप्पा के बाहर निकलने से शिमोगा एक अप्रत्याशित मुकाबला बन गया है।
बंगाल में सजी सियासी बिसात, ममता नीतीश आए साथ मिलकर बीजेपी पर बोला हमला। पंचायती राज व्यवस्था को पिछली सरकारों ने किया ध्वस्त, कांग्रेस पर खूब बरसे पीएम मोदी। केपी न्यूज के 9:00 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।